वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। तो हम लोग आ चुके हैं आज और एक सेशन लेके, जिसमें हम लोग रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन से बिलोंग करता है, वो आप लोगों का काफ़ी नोन चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर क्योर डिजीज से रिलेटेड है तो हील किससे रिलेटेड होगा। अगर क्योर डिजीज से रिलेटेड है तो हील किससे रिलेटेड होगा। तो देखो, डिजीज क्योर होता है ना, तो हील कौन होगा, हील होता है इंजरी। तो आप लोगों का जो आंसर है वो बन जाएगा डी। समझ में आया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है पेस्टिसाइड प्लांट, तो इंजेक्शन, फीवर, मेडिसिन, क्योर, वैक्सीनेशन, बेबी एंड सिनरेस्ट कोल्ड। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड कहाँ पे दिया जाता है, प्लांट में। तो वैक्सीन कहाँ पे दिया जाएगा, कहाँ को दिया जाएगा, बेबी को। बात समझ में आया। यानी कि आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 का सी। समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या बोला गया है कि अगर 63 इज रिलेटेड टू 9, तो 63 अगर 9 से रिलेटेड है तो 68 किससे रिलेटेड होगा। तो देखो, 63 से 9 कैसे आ सकता है, डिजिट्स को प्लस करके ना। तो 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर है ना, यहाँ पे 1 ए बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 6 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि ये जो वर्ड है ना, इनको आप लोगों को बनाना है डिक्शनरी फॉर्मेशन में, ठीक है। ये जो है इसको आप लोगों को बनाना है डिक्शनरी सीक्वेंस में या फिर सीरीज में इसको आप लोगों को अरेंज करना है। तो देखो, R E common, बात समझ में आया। तो R E के बाद फिर कौन सा टर्म आना चाहिए, देखो यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे P। तो सबसे पहला टर्म कौन सा आ जाएगा, 2 आएगा। चलो ख़त्म। इसके बाद में P Q R S। अब देखो, S यहाँ पे भी कॉमन, S यहाँ पे भी कॉमन, S यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन। S के बाद में कौन आएगा फिर, तो सबसे पहले C आना चाहिए, यानी कि 2, 5। उसके बाद में C के बाद में कौन आएगा, E आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 4। इसके बाद में कौन आना चाहिए, I के बाद में देखो, I यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, छोड़ दो। यहाँ पे कौन है, D है, यहाँ पे G है। तो सबसे पहले 3 आएगा, यानी कि D आता है, उसके बाद G आएगा ना। तो आप लोगों का जो आंसर होगा 2, 5, 4, 3, 1 इज द आंसर। तो हम लोग जो इसका आंसर करेंगे वो होगा ऑप्शन बी। चलो इसके बाद में देखो, आप सभी को मालूम है कि लास्ट साल में ड्रोनास के तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल पुलिस में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है लास्ट बीते कुछ सालों में। तो अगर आप भी पुलिस एसआई या फिर कांस्टेबल इन पोस्ट्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और चाहते हो कि आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले, देन यहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है द द्रोणास, ठीक है। अगर आपको अभी देखो, ये एक ऑनलाइन बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ से आप इसके बारे में इन्फो ले सकते हो, तो ये आप लोग एडू पॉइंट ऐप से इन्फो ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये कोर्स को परचेस करते हो तो इससे आपको कांस्टेबल में हेल्प होगा, लेडी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एंड एक्साइज, ये चारों चीज़ें एक कोर्स से आप लोगों का कवर होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास में अगर आप मान लो आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो टू आवर ब्रांच द द्रोणास सिलीगुड़ी हाथीमऊ। चलो
इसी के साथ साथ जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन ले रहे हो, आप सभी को मालूम है कि अभी IBPS का 4 एग्ज़ाम्स आने वाला है, ठीक है, IBPS का 4 एग्ज़ाम आने वाला है, SBI का 2 एग्ज़ाम आने वाला है। IBPS का 4 में ही आप लोगों का RRB भी काउंट होता है, देन आप लोगों का RBI असिस्टेंट जो कि बहुत ही लंबे समय से वेटिंग में है वो भी किसी भी समय रिलीज हो सकता है। तो अपने बैंकिंग प्रिपरेशन को आप लोग कर सकते हो सिर्फ 999 रुपए में। गॉट इट? चलो क्या बोल रहा है देखो, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखो यहां पे जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, देखो 1, 9, 17 देन 33, 49, 73। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है ये तो क्लियर है, पर इंक्रीमेंट का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आया ना? जब इंक्रीमेंट का रेट बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1 से 8 के बीच का गैप कितना है, 8, फिर 9 से 17 का गैप कितने का है, 8 का, 16 से 33 का गैप कितने का है, सॉरी 17 से 33 का कितना, 16 का, फिर इधर से कितना, 9 से 3 गया, 6, 1, 16। अब देखो यहाँ से कितने का गैप है, 13 से 9 चला गया, 4, 5, 2, 24 का। देखो यहाँ पे 8 टू टाइम्स है, 16 टू टाइम्स है, तो क्या मेरा 24 भी टू टाइम्स नहीं होगा? होगा ना। तो अब बात यह है कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब 73 प्लस 24 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 4, 3, 7 और तो कितना हो जाएगा, 97 जो है आप लोगों का आंसर है। बात समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है 2, 5, 7, 12, 19। अब देखो ये वाला जो सीरीज है ना, यहाँ पे आपका गैप काम नहीं करेगा, गैप यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया फॉर सम रीजन। तो 2, 5, 7, 12, 19 थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 12 प्लस 19 दैट इज 31। यही 31 तो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस वन इज द आंसर। समझ में आया? चलो अब इसके बाद में ये जो आप लोगों के सामने में दिख रहा है, इट इज कॉल्ड, किसी किसी जगह में इसको फिल इन द ब्लैंक्स, किसी किसी जगह में इसको फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है, किसी किसी जगह में इसको फिर अल्फाबेटिकल, रिपीटिंग सीरीज, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ना हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट करना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आपके पास में 15 एलिमेंट हो, आप लोग उसको 3 और 5 में तोड़ना, ठीक है। अगर 16 एलिमेंट हो, आप लोग उसको 4 और 8 में तोड़ना, इससे आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है, 4 या 8 में, ठीक है। अगर मान लो कि 17 एलिमेंट दिया गया ना, तो एक काम करना, उसको 16 प्लस 1 में तोड़ने के बाद इसको फिर 4 और 8 में, 4 और, मैं बार बार बोल रहा हूँ और, ठीक है, और नहीं बोल रहा हूँ। देखो तो 15 है ना, तो 15 को पहले 3 वाले में तोड़ते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर ये वाला। अब देखो यहाँ पे ना, जब मैंने 3 दिन में तोड़ा तो देखो यहाँ पे ना ABC कंप्लीट आया, तो यहाँ पे भी मेरा A हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले में, देखो इस वाले का सिमिलरिटी इस वाले के साथ में है, कैसे, देखो बीच का एलिमेंट B है, बीच का एलिमेंट B है, अच्छा। अब इसके बाद में यहाँ पे A नहीं है, तो यहाँ पे A हो सकता है, यहाँ पे C है,
पर यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। और इस वाले का सिमिलैरिटी देखो जाके इसके साथ में बन रहा है, तो ये क्या हो गया ए बी सी, यानी कि हम लोगों का आंसर आया ए ए सी बी। तो ए ए सी बी जो हम लोगों का आंसर है वो ऑप्शन बी में है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी। बात समझ में आया, होपफुली मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगे और इस तरीके का और क्लासेस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ कमेंट्स में डालिएगा कि इस तरीके का और भी क्लासेस चाहिए, सो हम लोग इस तरीके के और भी क्लासेस को अलॉट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इधर में क्या हुआ है ना, 4 को लिखा गया है 68, 4 को लिखा गया है 68 या फिर 4 के ऑपोजिट में 68, 3 के ऑपोजिट में है 30। अगर ऐसा है तो एक पैटर्न आपको मालूम है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, जो लोग ऑफलाइन में मुझसे पढ़ते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से इन पैटर्न्स को बताया है, ठीक है। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स यानी कि 4 का क्यूब के साथ में अगर मैं 4 को ही प्लस कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो 68 आएगा। 3 के क्यूब के साथ में अगर मैं 3 को ही ऐड कर दूं तो 27 प्लस 3 दैट इज 30। तो इन सिमिलर वे 5 का क्यूब के साथ में अगर 5 को ऐड कर दूं तो मेरा नंबर आ जाएगा 125 प्लस 5 दैट इज 130। आएगा कि नहीं आएगा, हेंस आवर आंसर इज दिस वन, क्लियर। चलो फाइन, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, 3, 2, 5, 10। तो एक काम करते हैं ना, 3 + 2 + 5 + 10, ठीक है, ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है कि 5, 5, 10 और 10, 20, ठीक है। पर बीच में यहां पे ना कितना लिखा हुआ है 10, तो क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना। पर क्या सेम लॉजिक इधर लग रहा है, देखो तो 7, 4, 11, 11 और 3, 14, 14 और 6, 20, तो 20 / 2 करेंगे तो अगेन मेरा आंसर 10 आ जाएगा। तो इन सिमिलर वे 8, 4, 12, 3, 15 और 5, 20, तो 20 का आधा हो रहा है, यानी कि आंसर कितना होना चाहिए, ये भी आपका 10 होगा। समझ में आया, यानी कि 13 का जो आंसर है ना वो आप लोगों का ए बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो ऑनलाइन ऐप है EduPoint, हमारा जो ऐप है EduPoint, इसमें एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसमें एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जिसका जो डायरेक्टली आप लोगों का WBCS 2023 को टारगेट कर रहा है। बात समझ में आया, और उस बैच का नाम है एकलव्य, जो बंगाली में एक लव्य बोल के यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, ये बैच जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बंगाली में है पर जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो अगर किसी को इस बैच के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का इन्फो चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर, ठीक है, या फिर आप लोग EduPoint से आप लोग देख सकते हो, वहीं पे आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली डेमो मटेरियल और जो अनदर थिंग्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा न्यूज़ है हम लोगों का इस साल का स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो फूड सप्लाई या फिर फूड सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इसका एक प्री नोटिफिकेशन या फिर कह सकते हो कि एक हिंट हम लोगों को मिल चुका है बहुत दिनों पहले, और ये आने वाला है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा। इसके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है जिसको हम लोग लक्ष्य भेद, ठीक है, जिसको हम लोग लक्ष्य भेद बैच के नाम से रखे हैं। ये बैच भी कम्प्लीटली बंगाली वर्सन में है और इसका जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल अगर आप लोग इसमें इनरोल करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलेगा, इसके साथ साथ जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा,
ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो बोला गया अशोक वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज होम। तो ये रहा अशोक का होम। अब अशोक ने क्या किया, नॉर्थ साइड में 10 मीटर चला गया, ठीक है, नॉर्थ में 10 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज होम टर्न राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। अब ये यहाँ से 5 मीटर चला गया, ठीक है, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब वो वापस 10 मीटर अपने राइट साइड में आ गया, ठीक है, देन इट टर्न्स लेफ्ट। अब वो क्या कर रहा है कि अपने लेफ्ट में जाएगा, तो देखो अब वो अपने लेफ्ट में कितना गया, तो देन टर्न इज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर, ठीक है। नाउ ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो अगर 180 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इधर में फेस कर रहा था, अभी इधर में फेस करेगा, ठीक है, यानी कि अभी वो फाइनली इधर में फेस कर रहा है। तो बोला गया है कि अशोक जो है वो किस तरफ फेस करे हुए है राइट नाउ, द आंसर इज वेस्ट, है ना, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ये वाला होता है, ठीक है, समझ में आया। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, सेशन अच्छा लगे या रीजनिंग पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो बोलिएगा, आप लोगों को और भी क्लासेस मिलेगा इसके ऊपर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ अनु सेड। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि आप हमेशा यहाँ पे उस आदमी को फोकस करो, दो आदमी को, कि पहला कि किसको बता रहा है, ठीक है, इंडिकेटिंग होम, और दूसरा कौन, दूसरा है स्पीकर, दूसरा है स्पीकर, बात समझ में आया। अब बोल रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अनु सेड, कौन बोल रहा है, अनु बोल रहा है, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अब देखो क्या बोल रहा है, अनु बोल रहा है कि माय सिस्टर, अनु का सिस्टर का माय सिस्टर्स ब्रदर, तो माय सिस्टर्स ब्रदर, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, माय सिस्टर्स ब्रदर का फादर का ओनली सन कौन है, ये है वो पर्सन, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना यही है वो पर्सन। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अनु, द आंसर इज अनुज ब्रदर। बोलो समझ में आया, आया, चलो ठीक है फिर। अब देखो अब ये आ गया एक कैलेंडर का क्वेश्चन, बोला गया मंडे इज द 29th फरवरी इन दिस ईयर। तो बोला गया 29th फरवरी यानी कि लीप ईयर है, तो बोला गया है देन ऑन द 29th ऑफ विच मंथ विल बी मंडे। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे बस ऑड डे इसको कैंसिल करना है, ठीक है ना, मुझे बस ऑड डे इसको कैंसिल करना है। किस तरीके से करेंगे, तो देखो मैं एकदम इसको ना बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि समटाइम्स कैलेंडर को समझने के लिए ना हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए थ्योरी क्लासेस का भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो अब बोला गया है फरवरी, फरवरी को नहीं पकड़ना क्योंकि आखिरी दिन का बोला गया है मंडे, अच्छा ऑड डे मुझे ज़ीरो करना है, ठीक है। तो अब देखो फरवरी के बाद में कौन आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो इसके आगे लगेगा तो ले लेंगे, ठीक है, पर मुझे जिस जगह में ऑड डे मेरा जीरो हो जाएगा ना उसके बाद वाला मंथ ही मेरा आंसर है। तो मार्च में कितना दिन होता है, 31, 30, 31, 30, अगेन 31, अगेन 31, ठीक है, फिर सितंबर में कितना होता है, 30 दिन, 31 दिन, फिर 30 दिन, ठीक है। अब अगर मैं इनको 7 से डिवाइड मार दूं, ठीक है ना, तो रिमाइंडिंग कितना आएगा, तो यहाँ से 3 आएगा, 2 आएगा,
तीन आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, दो सॉरी तीन आएगा, फिर अगेन दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर दो आएगा। अब ऑड डे क्या चीज़ होता है? मान लो किसी एक महीना में 31 डेज है, हर हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 दिन के 7वां दिन जो है वो रिपीटिंग होता है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? तीन आया ना, ये रिमाइंडर को बोलते हैं हम लोग ऑड डेज। ठीक है, देखो, दो दो चार तीन सात, खत्म। ठीक है, दो दो चार तीन सात, खत्म। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो और एक चीज़ क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि तीन दो पांच और दो सात, जस्ट अ सेकेंड, शायद कहीं पे गलती हो गया। तीन दो पांच तीन आठ, अच्छा तीन दो दो चार तीन सात हो गया, तीन तीन छः, जरा सा रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, शायद यहाँ पे कहीं पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बाकी का जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करके उसके बाद हम लोग कैलेंडर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? देखो, बोला गया है कि इफ ऐड का मतलब प्लस और डिवाइड का मतलब, ठीक है, अच्छा ऐड का मतलब है डिवाइड। चलो इसको लिख लेते हैं, 12 + 6 / 3 - 20 * 8। ठीक है, अब ऐड का मतलब क्या है? डिवाइड, यानी कि यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा। डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लग जाएगा। सब्ट्रैक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा। और उसके बाद में बोला गया मल्टीप्लाई मीन्स ऐड, तो यहाँ पे ऐड लग जाएगा। बात समझ में आया? अब क्या करना है ना, बस कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर्स को हम लोग हम पुट कर देते हैं, तो 6, 3, 20 और 8। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, 6 से काटेंगे 2 बचेगा, 20 से ये 3 मल्टी माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये माइनस का 16 और ये प्लस का 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 में से आपका अगर ये चला जाएगा -60, तो आपका जो आंसर है ना वो -50 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में रॉन्ग है, इसका आंसर जो है वो -50 ही होगा। बात समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एडमिशन जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिशन जो है, एडमिशन इज गोइंग ऑन, यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिशन जो है वो गोइंग ऑन। ठीक है ना, तो जिन लोगों को भी एडमिशन चाहिए होगा, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। बात समझ में आया? चलो, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, चलो देखो, आप लोगों को मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, चलो इसको जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करो। बोला गया है कि नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स एंड न्यूयॉर्क में क्या रिलेशन है? ये वेन डायग्राम चैप्टर का क्वेश्चन है। बात समझ में आया?
बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा जो है यूनाइटेड यूएसए फिर नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क का जो रिलेशन है उसको प्रॉपरली दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है ना वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस तरीके से, देखो सबसे पहला चीज, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर में यूएसए, उसके अंदर में न्यूयॉर्क, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अमंगस्ट। अब देखो यहाँ पे ना बोला गया है मिरर इमेज, तो चलो इसको हम मिरर इमेज चेक करते हैं। पर बात यह है कि इसका जो मिरर इमेज जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्रॉस क्रॉस की जगह में रहेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल की जगह में, अगेन क्रॉस, और यहाँ पे ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे हम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, आई गेस इसका मिरर का प्लेसिंग गलत है, मिरर नीचे में होना चाहिए था, तो फिर ये कुछ देखने में ऐसा होता। क्या ऐसा कोई डायग्राम है? ये रहा, यहाँ पे मिरर का प्लेसिंग क्वेश्चन में रॉन्ग है, तो इसी वजह से आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है आइडेंटिफाई द फिगर दैट विल कंप्लीट द पैटर्न। अब बोला गया है कि इस फिगर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, जो कंप्लीट करेगा। तो देखो सीधा सा बात है कि यहाँ पे एक प्लस तो बनेगा, एक प्लस तो बनेगा, फिर यहाँ से एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, और एक यहाँ पे आएगा ना। तो इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर है कौन सा रहेगा, बीच वाला पोर्शन ओपन रहेगा, आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो फाइन। पेपर कटिंग, तो पेपर कटिंग में ये वाला जो है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं इस पेपर को ऊपर की तरफ खोल दूँ तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर जब आप इसको, और इसका जो रेप्लिका है वो ऐसा देखने को मिलेगा, जब आप इस पेपर को पूरा खोल दोगे ये एक ऐसा, इसका पोर्शन एक ऐसा बनेगा, इसका इसका रेप्लिका इधर में जाके ऐसा करके बनेगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका ये वाला हिस्सा बन जाएगा। समझ में आया? चल फाइन। इसके बाद में एम्बेडेड फिगर, देखो एम्बेडेड फिगर बोला गया है कि एम्बेडेड फिगर में देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम किस जगह में घुसा हुआ है या छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आप लोगों का 22 का, देखो तो किस जगह में हो रहा है, देखो तो क्या ये डायग्राम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 22 का बी। समझ में आया? चलो फाइन। अब बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर चार पोर्शन बने तो वहां से ट्रायंगल संख्या 8 होगा, यानी कि यहां से 8 × 2 = 16 आप लोगों का ट्रायंगल मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो जब आप लोग ये दो डायग्राम को ज्वाइन करते हो, एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, एक ये वाला ट्रायंगल आप लोगों को मिलेगा। तो कितना हुआ, 16 और 2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल है ऐसा, एक फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसा मुझे 4 मिल गया। इसके बाद क्या बन सकता है, इसके बाद में आपको बन सकता है कि ये वाला कितना मिलेगा, 3, तो यहाँ से भी 3, तो कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 16 और 6 = 22, 4 = 28 और 2 = 30। जस्ट अ सेकेंड,
ये हो जाएगा आप लोगों का 28, ऐड करेंगे तो 16 छः 22, 4 26 और 2 28, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन में, ठीक है। अब क्या बोला गया है, देखो कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, तो सारा का सारा जो फ्रूट है वो क्या है, वो लीव है, ठीक है। उसके बाद ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सारा का सारा फ्रूट क्या है, ग्रेप्स है। अब बोला गया है कि सम लीव्स आर ग्रेप्स, तो हाँ लीव्स का कुछ हिस्सा तो ग्रेप्स के अंदर में आ चुका है, तो पहला वाला कंक्लूजन ट्रू है। फिर बोल रहे ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, अब ये सारा का सारा ग्रेप फ्रूट है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, डाउटफुल। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कौन सा वाला, कंक्लूजन ए, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आ जाओ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में, तो क्या बोला गया है पहले इसको पढ़ो। बोला गया है द कॉलम एंड रो मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड एज 04 एंड मैट्रिक्स 2 59, अ लेटर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट रो देन कॉलम, यानी कि पहले ऐसे जाएगा देन ऐसे रो और कॉलम के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या बोला गया, नीट चाहिए मुझे, ठीक है ना, तो नीट चाहिए। एन मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकता है, देखो एन मुझे ये रहा एन, तो वन और इसके बाद में जीरो, तो क्या 10 ऑप्शन में है, नहीं ए वाला एन नहीं होगा। अब देखो रो कॉलम 20, क्या 20 है, हाँ है। अच्छा पहले एलिमिनेट करते हैं, 44 में है, हाँ है। उसके बाद में देखो 13, क्या 13 में है, 13 हाँ है। तो ये वाला भी आ रहा है 32, इधर भी है एन, चलो अब ये वाला तो हो गया। अब इसके बाद में फिर ई का लोकेशन ढूंढते हैं, तो यहाँ पे है 14, तो यानी कि 14 ई है, स्टिल वैलिड। 33, तो 33 में तो है ई, तो ये वाला भी वैलिड है। 40, तो 40 ये वाला भी वैलिड है। उसके बाद आपका 21, तो ये वाला भी यहाँ पे भी ई है, यानी कि स्टिल वैलिड है। अब मुझे फिर से ना ए का चेक करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड टर्म, तो देखो 34 ए आया, उसके बाद में ये वैलिड है। उसके बाद 78, तो ये गया 7, ये गया 8, 7 8, तो देखो 78 वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 67, तो 6 गया ये, 7 गया ये, अब यहाँ पे तो नहीं है पी, तो ये वाला भी कट गया। 41, तो ये गया 4 और ये गया 1 ए, चलो अब ये दोनों में से अब टी जहाँ पे मिलेगा, यानी कि 56 या 68, 56 को ट्राई करते हैं, तो ये गया 5, ये गया 6, टी मिल गया, और 68 इधर से भी टी मिल रहा है। अब ये हो गया मुश्किल, दो आंसर आप लोगों का निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों से आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन में एरर हो, तो आप लोगों का बोथ जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मैं तसल्ली के लिए फिर भी और एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। स्टिल आप लोग भी इसको वीडियो को देखिए और देख के मुझे बताइए कि क्या कहीं पे इसका रॉन्ग हो रहा है या फिर दोनों से ही आपका आपका भी आंसर आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मुझे चाहिए एन ई ए टी, नीट, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टी का लोकेशन निकालते हैं, तो टी 68 में है, तो ये गया 6, ये गया 8, हाँ है, और 56 में है, तो ये गया 5, ये गया 6, रो कॉलम, तो दोनों में आपका हो रहा है। उसके बाद में ई का लोकेशन निकालते हैं, फिर अब ए का निकालते हैं, तो यानी कि 41 इधर में है, 34 तो 34 हाँ इधर में भी है, तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है। ई का देखते हैं 21 में है कि नहीं, तो ये गया 21 है, और 14 में देखते हैं, ये गया 1, ये गया 4, हाँ 14 में भी है। अब फिर एन का चेक कर लेते हैं, तो एन का कितना होगा, एन का यहाँ पे हो रहा है 44 हाँ ये भी हो रहा है, और यहाँ पे 32 बोला गया है, तो 3 एंड 2 यहाँ पे भी आ रहा है। नहीं, हम लोगों का दोनों का आंसर जो है वो बोथ आर द
आंसर्स। बात समझ में आया? तो ये हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है तो आई थिंक कि वहाँ पे कुछ रॉन्ग है या फिर कुछ डेट या कुछ मिसिंग हो सकता है, तो अगर वही क्वेश्चन है तो मैं वापस से देख के आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका सल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उसका सल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा विथ पिन के साथ, ठीक है। बात समझ में आया? कमेंट सेक्शन में उसका सल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन को चेक कर लूँ थोड़ा, उसके बाद। तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्टिल देन घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सामने बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।